पार्ट 4 स्टार्ट होता है और इसके बाद कोजी का फ्रेंड उसे पिकअप करने आता है, जहां वो नीम को भी साथ चलने कहता है, पर वो कहती है मैं टैक्सी ले लूंगी। लेकिन कोजी का फ्रेंड काफी बार बोलता है तो वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। कोजी का फ्रेंड कहता है पहले कोजी को घर ड्रॉप कर दूंगा फिर तुम्हें। तब कोजी कहता है नहीं, पहले इसे फिर मुझे घर ड्रॉप करना। नीम कहती है ठीक है, तो फिर मैं फ्रंट सीट पर बैठती हूँ, तुम बैक सीट पर आराम से बैठो। कोजी इसमें भी ऑब्जेक्शन करता है और नीम को बैक सीट पर बैठा देता है। इसके बाद उसका फ्रेंड पूछता है कि तुमने उस जापानीज क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री कैसे किया, मैंने तो सुना है वो बहुत जल्दी किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं करता है। तब कोजी कहता है इसका सारा क्रेडिट नीम को जाता है। कोजी का फ्रेंड कहता है स्टार्टिंग मुझे लगा था पता नहीं तुम सेक्रेटरी का काम कर भी पाओगी या नहीं, मुझे लगा था कहीं तुम दोनों लड़ते झगड़ते ही रह जाओगे, बट अब मेरा डाउट क्लियर हो गया है। नीम कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो उल्टा हर टाइम बॉस को ट्रबल में डाल देती हूँ। तब कोजी कहता है डोंट वरी, अगर तुम सब सही कर देती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस का बातें करने लगता है। उसका फ्रेंड कहता है तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो। और इसलिए कोजी कार में ही सो जाता है जहाँ नीम उसे देखते रहती है। नेक्स्ट दिन हम उसे दो जगह ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हुए देखते हैं। उसकी मम्मी पूछती है दो ब्रेकफास्ट क्यों रेडी कर रही हो, जहाँ वो कहती है हाँ मुझे आजकल बहुत ज्यादा भूख लगता है। नेक्स्ट दिन वो अपने ऑफिस में दोनों ब्रेकफास्ट को सही से रखी रही होती है कि कोजी आ जाता है। वो जल्दी से छुपाते हुए पूछती है क्या बात है, जहाँ वो कहता है मैं तो पूछ रहा था कि मीटिंग का अरेंजमेंट हुआ या नहीं। वह कहती है हाँ हो गया है। फिर उसके जाने के बाद वो फिर से ब्रेकफास्ट निकालती है और फिर से कोजी आकर पूछता है तुमने ये दो दो ब्रेकफास्ट क्यों लाया है। वो बात पलटती है और कहती है आई थिंक मीटिंग का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। अगले दिन हम उनके टीम को मीटिंग में देखते हैं। मीटिंग चल ही रहा होता है कि एक मार्क नाम का आदमी वहां आता है, जो कि कोजी के कंपनी का काफी खास क्लाइंट था। वो कहता है हमारा प्रोजेक्ट तो अब तक से लॉन्च हो जाना चाहिए था, फिर इतना डिले क्यों हो रहा है। जहां कोजी के टीम मेंबर बताते हैं कि हम अभी भी उस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन, क्वालिटी, हेल्थ और बेनिफिट पर फोकस कर रहे हैं। मार्क कहता है मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो। कोजी कहता है डोंट वरी, तुम्हारे दिए गए डेडलाइन से पहले ही हम हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। मार्क कहता है प्रोडक्ट कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल होगा, अगर किसी के पास यूनिक आइडिया है तो शेयर कर सकता है। तब यह नीम अपना ओपिनियन शेयर करती है कि अगर हम प्रोडक्ट का प्रेजेंटेटर किसी जापानीज देखने वाली लड़की को रखते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। उसके आइडिया से मार्क काफी इम्प्रेस होता है और कहता है ऐसा है तो फिर मैंने प्रेजेंटेटर सेलेक्ट कर लिया है। बस कोजी के हाँ कहने का देरी है और फिर वो सभी को एक सेलिब्रिटी का फोटो दिखाता है, जिसे देख सबका फेस रिएक्शन अलग ही हो जाता है। नेक्स्ट दिन नीम अपने कलीग से मार्क के बारे पूछती है कि ये बंदा है कौन, जहां वे बताते हैं कि वो हमारे कंपनी का काफी इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, वो हैंडसम रिच सीईओ और हमारे बॉस उतना टैलेंटेड है, हालांकि वो विमेनाइजर है ये अलग बात है, पर बात जब काम का आता है तो वो काफी ज्यादा सीरियस मोड में चला जाता है। और इस बार तो लग ही रहा है कि वो बॉस का सरदर्द बनने वाला है, पता नहीं उसे उसी लड़की को प्रेजेंटेटर चुनने का क्या मतलब था। और अब नीम उस सेलिब्रिटी और कोजी का इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है, जहाँ पीछे से आकर कोजी उसे देख लेता है। वो बहाना बनाती है कि मैं तो बस चेक कर रही थी कि हमारे प्रेजेंटेटर के लिए वो फिट भी है या नहीं। तब कोजी कहता है मुझे भूख लग रहा है, तो वो कहती है बताओ क्या खाओगे, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। कोजी कहता है मैं तो वही खाऊंगा जो तुमने मेरे लिए प्रिपेयर करा है। नीम कहती है ये दोनों ब्रेकफास्ट तो मैंने अपने लिए लाया है, मुझे आजकल भूख ज्यादा लगता है। ये सुनकर कोजी चिढ़ते हुए कहता है तो फिर मुझे कुछ नहीं खाना है। अब नीम को अपने आप पर गुस्सा आता है कि जिसके लिए उसने इतना मेहनत से ब्रेकफास्ट तैयार किया है उसे वो दे भी नहीं पाई। नेक्स्ट दिन काम खत्म होने पर सब घर निकलते हैं, लेकिन नीम को एक साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट चाहिए था, इसलिए वो कोजी के पास जाती है, जहां वो देखती है कोजी तो सो गया है। वो उसे नहीं जगाती है और सामने अपने जरूरत का डॉक्यूमेंट खोजने लगती है, जहां वो देखती है कि वो तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ही सो गया है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट निकालती है, पर कोजी उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर से सो जाता है। अब नीम किसी तरह अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाती है और यही सीन प्लॉय मोबाइल में कैप्चर कर लेती है। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस आती है तो सभी को गॉसिप करते हुए पाती है, पर उसकी कुछ कलीग्स नीम से कहती है कि तुम्हें दूसरों के बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। और तब प्लॉय इनडायरेक्टली उसके कैरेक्टर के बारे नेगेटिव बोलने लगती है, जहां नीम कहती है साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो। तब वो कहती है तुम खुद ही कंपनी का ग्रुप चैट क्यों नहीं देख लेती। अब नेक्स्ट सीन हर जगह उसे सब इग्नोर करते हैं, पर कुछ कलीग्स अब भी नीम के सपोर्ट में खड़े थे। वो कहते हैं कि अगर इस बारे बॉस को बताया जाएगा तो किसने फोटो खींचा है ये तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन नीम ये बात कोजी तक पहुंचाने से मना करती है, ताकि कोजी इन छोटे मोटे मैटर से और परेशान ना हो। अगले सीन वो कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने कोजी के पास जाती है और मार्क के साथ मिलकर बना रहे रिसेंट प्रोजेक्ट के बारे अपडेट देती है। तब कोजी कहता है क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान किया जा रहा है, तुम मुझे बता सकती हो।
पर निम उसे कुछ नहीं बताती है, लेकिन वो समझ पाता है कि ये किसी मैटर को लेकर परेशान है, इसलिए वो बताने के लिए फोर्स करता है। पर उल्टा निम ही उसे चिढ़ के कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ कंफर्टेबल तरीके से काम करूँ तो मुझसे इस मैटर के बारे और पूछना मत। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर निम को परेशान देख प्लॉय काफी खुश होती है। इसके बाद नीम रिलैक्स होने के लिए एक तरफ जाती है, पर वहाँ वो मार्क को एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखती है और तभी उसके हाथ से मिल्क पाउच गिर जाता है। वो वहाँ से तुरंत भागकर अपने टेबल तक जाती है, लेकिन मार्क भी उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुँचता है, जहाँ नीम कहती है मैंने कुछ नहीं देखा। मार्क कहता है क्या देखने का बात कर रही हो। तभी नीम की एक कलीग वहाँ पहुँचती है, जहाँ मार्क उसे नीम से इंट्रोड्यूस कराने कहता है। यहाँ वो कलीग बताती है कि नीम बॉस की न्यू सेक्रेटरी है। ये जानकर मार्क हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर वो हैंडशेक नहीं करती है और मीटिंग है बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम मीटिंग में सभी को देखते हैं, जहां एक बार फिर मार्क और कोजी का थिंकिंग मैच नहीं करता है, पर कोजी काफी कूल होकर मार्क को झेल रहा था। यह मार्क एक और डिमांड रख देता है कि वो नीम को इस प्रोजेक्ट के लिए अपना एई बनाना चाहता है, पर कोजी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता है। तब मार्क नीम से ये डिसाइड करने के लिए छोड़ देता है कि वो उसकी एई बनेगी या नहीं। नेक्स्ट डे वो अपने कलीग से पूछती है कि अगर उसने मार्क को मना कर दिया तो क्या होगा, जहाँ वे कहते हैं कि अगर तुमने मना किया तो वो किसी और चेंजेस के लिए बॉस को परेशान करेगा, या हो सकता है वो इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दे। उसके बाद हम देखते हैं कोजी नीम से कहता है कि अगर तुम मार्क के एई नहीं बनना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो, पर नीम कहती है मुझे उसका एई बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब कोजी कहता है लेकिन मेरे सेक्रेटरी के तौर पर तुम्हारा अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब वो कहती है हाँ, लेकिन अगर मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे कंपनी को काफी लॉस हो सकता है। तब कोजी कहता है अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम अपने फायदे के लिए उसका एई बनना चाहती हो, और अगर ऐसा है तो तुम चाहो तो अब मेरे सेक्रेटरी के पोस्ट से रिजाइन कर सकती हो। ये सुनकर निम गुस्सा से चली जाती है। नेक्स्ट दिन वो कुछ फाइल्स लेकर कोजी के ऑफिस जा ही रही थी कि वहाँ से प्लॉय निकलती है और उसे एक मीटिंग अरेंजमेंट करने का ऑर्डर देती है और उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहती है कि मैं ये बॉस को दे दूंगी। अब दूसरी तरफ हम नीम को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। उसका एक दोस्त कहता है पक्का प्लॉय ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो तुम्हें सेक्रेटरी के जॉब से रिप्लेस कर सके। आई थिंक तुम्हें इस र्यूमर के बारे अपने बॉस को बताना चाहिए। नीम कहती है उसे क्या बताऊं, उल्टा वो तो मुझे रिजाइन करने बोल रहा है, मन तो कर रहा है अभी ही जॉब से क्विट कर लूं। उसके फ्रेंड समझाते हैं कि तुम्हारे जॉब का तो महीना भर भी नहीं हुआ है और तुम क्विट करना चाहती हो। वह कहती है तो क्या करूं, एक तो मेरा अपने बॉस से बन नहीं रहा है और ऊपर से प्लॉय ऐसा बिहेव कर रही है कि सेक्रेटरी मैं नहीं बल्कि वो है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं ओके, पहले तुम शांत हो जाओ और एक बार फिर अपने बॉस से बात करना। नीम कहती है अगर मैं उसका फेस देखूंगी तो शायद मैं जॉब से रिजाइन नहीं दे पाऊंगी। उसके फ्रेंड्स भी कहते हैं कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना और जॉब से रिजाइन तो बिल्कुल भी मत करना। पर नेक्स्ट दिन हम उसे रिजाइनेशन लेटर लिखते हुए देखते हैं और ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।